हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो है ये अभी आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि आपको चॉइस करना है ए कॉलम और बी कॉलम में। तो पहला जो है वो है मिडवाइफरी। तो मिडवाइफरी आप ये सारी सिचुएशंस पढ़ें तो मिडवाइफरी कहाँ पर मैच हो रहा है, ये फोर के साथ मैच होगा। यानी मिडवाइफरी क्या है, प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज एंड स्किल नीड टू इसको थोड़ा जूम करते हैं, असेस मदर ड्यूरिंग एंटीनेटल और इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल प्रोसेस। यानी कि मिडवाइफरी क्या है कि ये असिस करता है ये पर्सन किसको, पेशेंट को, मदर को, यानी कि एंटीनेटल के दौरान और पोस्टनेटल के दौरान। तो ये हमारा मैच हो जाएगा फोर के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट आ जाता है पावर। तो पावर हमारा मैच किसके साथ होगा, पावर हमारा थ्री के साथ मैच होगा। इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल एब्डोमिनल वॉल एंड डायग्राम। तो ये हमारा इसके साथ मैच हो जाएगा, ये थ्री के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है मिडवाइफ। पहले हमने मिडवाइफरी के बारे में देखा था, अब हम मिडवाइफ के बारे में। तो मिडवाइफ कौन पर्सन होती है, पर्सन हु प्रैक्टिस मिडवाइफरी। यानी कि जो पर्सन मिडवाइफरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है उस पर्सन को हम मिडवाइफ कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है पैसेज। तो पैसेज क्या होता है स्टूडेंट्स, तो पैसेज वो होता है जो ये फर्स्ट पर आएगा, कि ये क्या करता है, इन द बर्थ कैनाल पेल्विस पेल्विक फ्लोर एंड वजाइना, सही है। नेक्स्ट आ जाएगा पैसेंजर। तो पैसेंजर क्या है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा पैसेंजर जो है इसका आ जाएगा ये टू वाला, इन द फिटस। यानी पैसेंजर जो गुजरने वाला पर्सन है वो कौन है, इज़ द फिटस, सही। तो ये थी एक आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन। तो आप इसको देख लें, खुद भी इसको मैच करें ताकि आप लोगों के अगर इस तरीके का कोई MCQs भी आए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।